सभी को सादर जय श्री सीताराम। देखिए आप सबके लिए एक बहुत ही सुंदर युक्ति लेके आया हूँ जो कि सीधे ग्रंथ के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनके विवाह में विघ्न आ रहा है, वो इस युक्ति को करें तो अवश्य लाभ होगा। देखिए सीधे ग्रंथ के माध्यम से है, कन्या के शीघ्र विवाह के लिए तो तीन युक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं, यानी तीन उपाय बताए गए हैं। कोई सा भी उपाय कर लीजिएगा, मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले है, पार्वती जी के चित्र पर चंदन पुष्प चढ़ाकर निम्न मंत्र की 7 या 11 माला जप करें। तो कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा आपके लिए पहाड़ जैसा काम बता रहे हैं जो आपको करना मिले। मात्र एक माला ले लीजिए, 7 या 11 बार इस मंत्र का जप कर लीजिए, रोजाना आपको करना है। देखिए मंत्र मैं आपको बताता हूँ, सरल तरह से पढ़ सकते हैं आप इसको। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी, यथा तवम शंकर प्रिया, तथा मम कुरु कल्याणी, कांत कांतम सुदुर्लभाम। आप गाके भी पढ़ सकते हो इसको। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी, यथा तवम शंकर प्रिया, तथा मम कुरु कल्याणी, कांत कांतम सुदुर्लभाम। तो अपने जिस तरह से लय बने उस तरह से गाइए, या फिर एक सांस में भी आप पढ़ सकते हैं। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी, यथा त्वम शंकर प्रिया, तथा मम कुरु कल्याणी, कांत कांतम सुदुर्लभाम। लेकिन ध्यान रखना है मंत्र को माला पे जाप करना है। फिर उसके बाद जब 7 या 11 माला जप हो जाए इस मंत्र की, उसके बाद देखिए श्री रामचरितमानस में एक कथा प्रसंग आता है जहाँ पे माता सीता जी श्री रामचंद्र जी महाराज को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैया पार्वती जी से विनती करती हैं, तो वह स्तुति यहाँ पे दी गई है। तो बहुत सुंदर ये तो चौपाइयाँ हैं, इनको तो वैसे ही अगर आप पढ़ लेंगे मन तो वैसे ही अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। देखिए चौपाई देखिए किस प्रकार से पढ़नी, मैं आपको बताता हूँ। चौपाइयाँ हैं, जय जय गिरिवर राजकिशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवर्धन सड़ानन माता। सड़ानन का मतलब है कि 6 मुख वाले जो हमारे कार्तिकेय भगवान हैं, तो यहाँ पे सड़ानन पेट फटा शाह है, तो सड़ानन यानी 6 मुखों वाली कार्तिकेय भगवान की जो माता है उनको सड़ानन माता कहा गया है। तो जय गजवर्धन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वावश विहारिणी। फिर देखिए दोहा है, पति देवता सुतिये महु, मात प्रथम तब रेख, महिमा अमित ना सकही कहीं, सहस सारदा शेष। फिर देखिए चौपाई आई, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुकारे, मोर मनोरथ जानहुनी के, सदा वसौर पुर सवही के, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदाउर पुर सवही के। बहुत सुंदर चौपाई है, यहाँ पे आपको बताना कि आपके मनोरथ को समझिए माता, तो इस तरह से जो है थोड़ी करुणा लाइएगा इस चौपाई में। फिर आगे देखिए, कि नहु प्रकट ना कारण ते ही, अस कही चरण गए वैदे ही, विनय प्रेम वस वयाई भवानी, खसिमाल मूरति मुस्कानी, विनय प्रेम वस प्रकट भई भवानी, खसिमाल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरयो, बोली गौरी हर्षो ही अभरयो। सुनो सिया
सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवरु मिलहि जाहि मनुराचा। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवरु मिलहि जाहि मनुराचा। फिर छंद है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, अपने आप में आनंद आने वाला है। मनु जाहि राचहु मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो करुणा निदान। सुदान सीलो सनेहु जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुनिसिय सहित। ही हर सहि अली तुलसी भवानी, पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे अगर आप पढ़ेंगे। फिर देखिए एक सोरठा भी है यहाँ पे, जानी गौरी अनुकूल सिय हर्षौ न जाहि कही। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फर कन लगे। तो सबसे पहले देखिए एक उपाय मैंने आपको बताया सीधे ग्रंथ के माध्यम से, जिसमें एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 7 या 11 बार ये वाला श्लोक जो मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में ही, इसको आपको रिपीट करना है माला पे 7 से 11 बार। उसके बाद ये चौपाइयाँ हैं रामचरितमानस जी की, बहुत ही सुंदर, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई। और उसके बाद जो है दूसरा उपाय देखिए, अगर आपको ये उपाय करने में समस्या है तो दूसरा उपाय भी है इस ग्रंथ में। देखिए इसमें क्या है, 3 लाइनें लिखी हैं, लेकिन ये 3 लाइनें बहुत कर रही हैं। देखिए, कोरे कागज पर लाल स्याही से 1.25 लाख राम नाम लिखें। कागज के एक ही तरफ लिखें, कागज पर लाइनें ना हों। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि एक ही तरफ आपको लिखना है। जैसे ये वाला पेज अगर सादा है तो यहाँ पे आपको राम राम इस तरह से लिखना है 1.25 लाख बार, और उस पर लाइनें नहीं होनी चाहिए कागज पे, और लाल स्याही से ये आपको लिखना है। तो 1.25 लाख आपको काउंट करने भी पड़ेंगे, 1.25 लाख हुए नहीं हुए। और 1.25 लाख बार अगर आपने नाम लिख लिया तब तो शादी ब्याह क्या आपके बहुत ही दुर्लभ काम बन जाएंगे। तो अगर ये कठिन जरूर कार्य है, लेकिन है बहुत सुंदर काम, तो देख लीजिए अगर दूसरा कार्य ये वाला कर पाएं तो ये कर सकते हैं। वरना तीसरा नंबर उपाय है, श्री रामचरितमानस में राम विवाह के प्रसंग में मांडवी श्रुत कीर्ति और उर्मिला, इनका जो है एक छंद है बालकांड में 325 नंबर, उसका पाठ आरंभ करें और वहीं पर ही समाप्त करें, जब तक विवाह ना हो और जब तक कोई एक उपाय करते रहें। तो इस प्रकार से ये वाला अगर आपको करना है तो आप ये तीसरा वाला उपाय कर सकते हैं। वैसे दूसरा वाला 1.25 लाख नाम चाहो तो लिख सकते हो लाल स्याही से सादे पन्ने पे एक ही तरफ लिखने हैं, और चाहो तो ये पहला वाला उपाय आप कर सकते हो। तो पहला उपाय मेरे ख्याल से तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसमें तो आपको 7 मालाएं या 11 मालाएं करनी है एक मंत्र की, और रामचरितमानस जी की एक चौपाइयाँ यहाँ पे हैं बहुत सुंदर सुंदर, इनको पढ़िए, जिंदगी अपनी आप सफल हो जाएगी। और निश्चित रूप से अगर आप विघ्न आ रहा है आपकी शादी ब्याह में तो उसकी पूर्ति होगी। और ये बहुत सुंदर किताब है, बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष की लिखी हुई किताब है, तो निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होने वाली। वीडियो को यहीं पे करते हैं विश्राम, एक बार प्रेम से बोलेंगे सादर जय श्री सीताराम।